नमस्कार खाओ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हम लोग अभी इस समय मेरठ से निकलकर हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद, यानी कि अराउंड 74 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया मोदी नगर से, 2-2.5 घंटे लगे। अब फरीदाबाद पहुंच गए और फरीदाबाद में हमसे हमारी एक YouTube की फैमिली मेंबर मिलने वाली हैं, और जो इंस्टा पे भी हमें बहुत फॉलो करती है, तो फरीदाबाद में रहती हैं। तो आज उनके साथ हम घूमेंगे फरीदाबाद, और वो हमें दिखाएंगी कि फरीदाबाद में क्या क्या खाने को मिलता है और क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो चलते हैं और उनसे मिलते हैं, और हमारा आज का ये मज़ेदार और स्वादिष्ट खाने का सफ़र शुरू करते हैं। तो खाओ दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं फरीदाबाद फाइनली, और मैं यहां पर हूं सेक्टर 7 हुडा मार्केट कहा जाता है। और मुझे हमारी पायल जी ने कहा कि आप यहां पर हमारा इंतज़ार कीजिए, और मैं तो पहुंच गया हूं। पायल कहीं नज़र नहीं आ रही, लगता आ गई। ओ देयर शी इज, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, शी इज़ पायल, प्यारी सी छोटी सी। हाँ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। मुझे भी नहीं लग रहा, मिली हूँ एक मिनट पहले, बट सीरियसली नहीं लग रहा। तो शी कंटिन्यूसली फॉलोज अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो और यूट्यूब ऑल्सो, और कई बार मुझे मैसेज और कमेंट्स में लिखती है कि भैया आप यहाँ जाइए, भैया आप वहाँ जाइए। तो इन्होंने मुझे जगत भैया बना दिया है। और मोर ओवर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अभी से फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं शायद आपको 2009 से फॉलो कर रही हूँ, जब से ये रिश्ता क्या कहलाता आया था। ओके, तो भैया तो मैं आपको बोल रही हूँ, बट एक्चुअली आप तो वो फादर फिगर हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो पायल, अभी ज्यादा टाइम नहीं करते, आप बताइए आज मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? हम पहले जा रहे हैं रामा ढाबा। okay. जो यहाँ का बहुत बहुत पुराना ढाबा है। अच्छा, मैं अपने बचपन में यहाँ पे आती थी। अच्छा, एंड इसकी दाल मखनी मिक्स वेज, मतलब जिस भी चीज का नाम लो, दैट इज लाइक सुपर। मुंह में पानी आ रहा है। exactly. और भूख भी बहुत लगी है, क्योंकि लंच टाइम हो गया है। exactly. तो चलते हैं रामा ढाबा, चलो आओ। और कितनी दूर है भैया? बस हम पहुंच गए, तो ये है रामा भोजनालय। ओके, दिस इज द वन जिसकी इतनी तारीफ कर चुकी हो तुम। जी बिल्कुल, जब इतनी तारीफ कर ही दी है तो अब अंदर जाके खाना भी खिला दो, क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही है। मुझे भी, आ जाइए। चलिए चलिए चलिए, फटाफट चल अंदर, खाना मंगाओ। आइए आप पहले। आप नहीं, पहले आप। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे गाइड हो। आओ भैया, सीरियसली बहुत बहुत बहुत। और क्या क्या पड़ा? बैठो भैया, डेवलपर। और ये मेरी फेवरेट हरी मिर्च। मेरा वेट कर, चल फटाफट ऑर्डर करो। चल मेनू आ गया, बता क्या क्या खाऊं यहाँ पर। आप बताओ का मन क्या है खाने का। अरे गाइड कौन है आज? मैं। हाँ तो बता यहाँ पे अच्छा क्या मिलता है। यहाँ का दाल फ्राई जरूर ट्राई करो, इट इज अमेजिंग। डन, दाल फ्राई होगी एक। सेकंड बताओ, और मिक्स वेज पसंद है क्या? मिक्स वेज पसंद है, पसंद है बिल्कुल। मिक्स वेज करते हैं। ओके, और पनीर में क्या खाओगे? पनीर भी बहुत बढ़िया है, जो आप खाते हो वो। पालक पनीर है? पालक पनीर खाते हैं। चलो पालक पनीर कर ले। मिक्स वेज हो गया, दाल होगी, एक और कोई चीज करते हैं। आप बताओ क्या खाओगे? मशरूम दो प्याजा। नहीं, तू मशरूम खाती है? मैं तंदूरी रोटी, और खाना खाते हैं। चलो तो खाओ दोस्तों, पायल ने लगा दिए मेरे सामने रामा भोजनालय की फीस। इतना सारा खाना पायल है, क्या क्या ये बताओ। ये है हमारी यहाँ की स्पेशल दाल फ्राई। ओके, ये है बैंगन का भरता। क्या बात है, खुशबू इतनी आ रही है बैंगन भरता, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और ये मिक्स वेज जो मेरा फेवरेट है। ओके, पालक पनीर जो सबका फेवरेट है। एग्जैक्टली, और ये है बटर रोटी, तंदूरी रोटी, आपकी फेवरेट हरी मिर्च, और ये सैलेड के बिना, प्याजों के बिना तो पंजाबियों का खाना अधूरा है, पूरा नहीं होता। यस, तो अभी काम करते हैं। हां जी, काम में देरी किया, कहां से शुरू करें हम? मैं आपको सर्व करने से शुरू करते हैं। ओके, सो ये डाली मैंने दाल फ्राई, थोड़ी सी और, बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी, बस 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 बस। अब थोड़ा सा बैंगन, बैंगन का भरता। ओके, ये है हमारी यहाँ की मिक्स वेज। हाँ, इसमें तो सारी सब्जियाँ। एग्जैक्टली, पनीर भी है। हाँ हाँ, पनीर भी है। और भैया एक बात बताऊँ, 30 सालों से सब्जी का टेस्ट बिल्कुल वही है जो मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। क्या बात है। और ये सबका फेवरेट पालक पनीर, ये भी अभी खाऊँ? बिल्कुल। ओके, बहुत खाना नहीं है, बहुत खाना नहीं है। अच्छा, फरीदाबाद आओ और बिना खाए चले जाओ, कैसे कैसे हो सकता तुम है। मिलो अभी, बिल्कुल लेती हूँ, बिल्कुल लेती हूँ। साथ में लेते हैं हम ये तंदूरी ओ, ये बटर, बटर रोटी। ओ भाई साहब, ये देख, ये बटर है। टप टप गिर रहा है। ये होता ना पंजाबी का खाना। exactly. ये मजा सिर्फ दिल्ली साइड आके आता है, बिल्कुल आता है।
ये लीजिए आपके लिए भी करारी मक्खन से भरी हुई रोटी। धन्यवाद। चलो शुरू करो, मेरे काम में देरी किया। जय हो, जय हो। ये मैं लिए मैंने बटर रोटी, ये मैं लगा रहा हूँ इसके साथ ये पालक पनीर। आजा भाई, ओए होए, आई जस्ट लव पालक पनीर यार। कैसा लगा? कैसा लगा? सही कहा था तुमने। हाँ? यहाँ का खाना कमाल का है, पहली बाइट में ही पता चल गया मेरे को। ओह वाओ, थैंक यू। तुम ही खाओ ना। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। शाही पनीर ठीक है, मंगा लेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखा, सजेशंस मिल रहे हैं क्या खाएं। exactly. क्या खाएं, शाही पनीर का आ गया है। अरे तुम क्यों रुकी हुई हो? बस भैया मैं भी शुरू कर रही हूँ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फेवरेट दाल फ्राई से। आ जाओ। हाँ हाँ, फेवरेट है। बहुत पसंद है मुझे। मैं भी खा के देखूं, चम्मच से खाता हूँ। बिल्कुल। हाँ ओके, ये दाल फ्राई, चने की दाल। चने की और वो लंगर वाली दाल, जबरदस्त दाल, जबरदस्त। अब आप ट्राई करो मिक्स वेज। ओके, दाल की तारीफ तो करने दे यार। कर दो। बहुत ही स्वादी। इसके अंदर जो अदरक कटा को पड़ा हुआ है ना, गरम गरम दाल है। और सच कह रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त खाना है ये। पायल मुझे बिल्कुल सही जगह लेकर आई है। अब मैं खाता हूँ ये मिक्स वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हैं, जो मिक्स वेजिटेबल है सब्जियाँ तो होंगी, पनीर भी है। और ये बीन्स, गाजर, कैप्सिकम, मटर, आलू और बहुत सारा प्याज। क्या बनाई है सब्जी। ओह हो, सच्ची बोलते हैं ये उंगलियां चाटने वाला खाना है। एग्जैक्टली ऐसे। बहुत दस, मतलब इनको देख के ना कोई भी खाने से ऐसा प्यार में डूब जाएगा। बिल्कुल है ना, जैसे तुम डूब गए आज ना। एक्चुअली अभी खा के दिखाओ। एक्चुअली अरे खाने से तो प्यार करना ही चाहिए यार। अब इनके साथ रह के कौन अपनी डाइट नहीं भूलेगा। भूल जाओ आज का दिन। भूल गई आज का पूरा दिन। आज का पूरा दिन भूल गई एक्चुअली। एक्चुअली अब ये अगेन सबकी फेवरेट डिश बैंगन का भरता। खुशबू ना, जब दोस्तों बैंगन का भरता आया था ना मेरी टेबल के ऊपर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मन कर रहा था कि सब घुस जाऊँ इस भरते के अंदर। आई स्वेयर, अच्छे भुने हुए बैंगन का फ्लेवर था, खुशबू थी। और ओए ऐसी बाइट, ऐसा बैंगन, ऐसी खुशबू। चकने भट्टे। हाँ और इनकी हरी मिर्च, उसके बिना तो खाना अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। चलो खाओ ना यार। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं खा रही हूँ। मैं आज चीटिंग नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ आज। हाँ, ये पालक पनीर की बात हो रहा है, पालक इज सो फ्रेश, पनीर इज सो फ्रेश एंड सो सॉफ्ट। एग्जैक्टली, एंड द मसालास आर ऑल वेरी होममेड, है ना। ऑयली खाना जरा भी नहीं है, ऐसा लगता है घर पर ही हमें खाना बनाते हैं जब हम वेज फीस्ट बनाते हैं। बिल्कुल, घर पे कोई मेहमान आने होते हैं जिनको वेज खाना खाना होता है। राइट राइट, बिल्कुल सही जगह लेके आई यार। मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा खाना। नहीं, मैं पहले पता सोच रहा था। हाँ। नहीं, खाने की इतनी शौकीन है कि नहीं। ले जाएगी किधर, घर के पास, अपने घर से काफ़ी दूर लेकर आई है और बहुत ही अच्छी जगह लेकर आई है। तो थैंक यू वंस अगेन पायल, एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू फरीदाबाद। बिल्कुल, सबसे ऊपर तो वो है। तो पायल, रामा भोजनालय, रामा ढाबा, मजा आ गया खाना खा के। हर डिश एक से बढ़कर एक, और इनकी सारी डिशेज ट्राई करनी है। अगली बार फिर आएंगे। डन, जल्दी आएंगे। बिल्कुल, इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद हम कुछ ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे जाके आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। देखो मेरी उम्र है बचपन की, लेकिन दिल है अभी भी बचपन का। ये चलो, ये लो गरम गरम रोटी भी आ गई। वाह, तो ये है वो जगह जहाँ पर मेरा बचपन जागृत होने वाला है। जी हाँ, देखो भैया, आपने KFC खाया होगा, मैकडॉनल्ड्स भी पक्का खाया होगा, बट आपने ना हमारे फरीदाबाद का पिंटू बर्गर नहीं खाया होगा। ओहो, तो ऐसा पिंटू बर्गर में है क्या? भैया ये सिर्फ नॉर्मल बर्गर नहीं है। अगर पहले खाओ तो बताओ कि पिंटू बर्गर में है क्या। तो मिंटू बर्गर है मिस्टीरियस बर्गर। मिस्टीरियस बर्गर, तो इसका खोलते हैं हम राज। बिल्कुल आज ही आज। तो भैया जी, मैंने आपके बर्गर का बहुत नाम सुना है, पिंटू बर्गर का। मुंबई तक आ गया आपका नाम।
तो कौन कौन से बर्गर बनाते हैं आप? एक भाजी बर्गर होता है, एक प्लेन पनीर बर्गर, ओके, जिसको बोलते हैं। तो दो टाइप के बर्गर बनाते हैं आप, और साथ में शायद चाउमीन भी देते हैं, मैंने देखी थी बनते हुए। चाउमीन भी है, तो तीन आइटम है। तो आप मुझे लगा दो एक क्या पायल, भाजी बर्गर और एक नॉर्मल टिक्की बर्गर जो आपकी स्पेशलिटी है। ठीक है, दो लगा दीजिए और हम वेट करते हैं और खाते हैं। तो पायल, ये कौन सी जगह है भैया? ये ना सेक्टर 3 है, फरीदाबाद का। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। तो मतलब इधर ये सारी दुकानें हैं कि खाली पिंटू बर्गर के लिए फेमस है ये एरिया? भैया वैसे तो ये पिंटू बर्गर के लिए बहुत फेमस है जगह, ठीक है। दो, इट इज अ हुड्डा मार्केट। अच्छा, और सब चीज अवेलेबल है, बट हम तो सिर्फ पिंटू बर्गर के पास ही आते हैं। तो सीधा पिंटू बर्गर अभी रेडी हुआ कि नहीं, ऑर्डर देके काफी टाइम हो गया है, चेक करके आते हैं। भीड़ भी तो इतनी है उसके पास। वो तो है, अच्छा ना भीड़ है। तो दोस्तों आ गए हमारे सामने पिंटू बर्गर की बर्गर जोड़ी। यस, अब हम शुरू करते हैं खाना। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ इससे जो है ये आलू टिक्की बर्गर। आप क्या शुरू कर रहे हो? मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फेवरेट भाजी बर्गर से। क्या बात है, पहले खाया कभी? क्या मस्त फटफटी की आवाज आई। हाँ बताओ। बहुत सालों के बाद भैया मेरे को आपके साथ मौका मिला है ये दोबारा से खाने का। अराउंड 20 इयर्स आई एम कमिंग हियर। यस, 20 साल के बाद। तुम इतने साल इस बर्गर से जुदा कैसे रह पाई? पता नहीं, शायद आपके आने का इंतजार था कि आपके साथ ही आके खाना ही है। और पता है मेरे लिए क्या फर्स्ट टाइम है इस बर्गर के बारे में? हाँ जी। मैंने कभी बर्गर नारियल की चटनी के साथ नहीं खाया, बट ये नारियल की चटनी सीरियसली बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी। शुरू करें? शुरू करो। तो दोस्तों मैं डिप कर रहा हूँ इस टिक्की बर्गर को इस नारियल की चटनी में। मुझे देखना है कि ये टिक्की बर्गर नारियल की चटनी के साथ कैसा लगता है। नारियल की चटनी है वेरी डिफरेंट टेस्ट। रियली? हाँ। एंड इस बर्गर के साथ बहुत अच्छी जा रही है। सीरियसली बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। टिक्की एकदम सिंपल है इसके अंदर। हाँ। इस आलू की टिक्की में बेसिकली कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ। मेरा फोन बज रहा है? नहीं, किसी और का। बंद नहीं दो, खाओ ना। तुम क्यों? मैं ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ। हाँ। मैं केचप के साथ ट्राई करता हूँ, बताना टेस्ट 20 साल पहले जैसा ही है कि चेंज हो गया है। बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है, और मेरी बचपन की यादें सारी ताजा हो गई। भैया ना ये बातें अच्छी लगती हैं, कोई भी इटरी में अगर इतने साल बाद आओ तो इसका टेस्ट आपको वही मिले। वही मिले, मतलब ही इज रियली वर्किंग हार्ड। यस, टू मेंटेन हिज क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वांटिटी आल्सो एंड टेस्ट आल्सो। यस, वाओ, अमेजिंग। ये बन दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, पहले डीप फ्राई की हुई है बन है, फिर डन को काटा जाता है, उसके अंदर हर चीज स्टफ की जाती है, जैसे टिक्की, खीरा, प्याज एंड पनीर आल्सो। यस, वेरी गुड। हां, बाकी इसने तो सारी पारी सारे बाकी बर्गर। अब आप ये भाजी बर्गर जरूर चेक करना। भाजी बर्गर? हाँ, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, जरूर टेस्ट करो। तो दोस्तों ये भाजी बर्गर आपने देख तो लिया होगा कैसे बना, लेकिन फिर भी एक बार खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पनीर, टमाटर, प्याज, थोड़ी सी कैबेज, और ये भाजी, भाजी इन्होंने कहा है कि वैसी ही है जैसे पाव भाजी में बनाते हैं, बट अब इसे खा के पता चलेगा कि भाजी में कुछ फ़र्क है कि बिल्कुल वैसी है। अगेन आई विल डिप विद माई लवली कोकोनट चटनी एंड टेक अ बिग बाइट। कैसा लगा? खा लो पहले आराम से, लेट इट घुलो मिलो इन द माउथ। या भाजी इज द सेम, लाइक पाव भाजी, ओके, एंड विद द क्रंच ऑफ अनियंस, टोमेटो, जो मसाला इन लोग ने पूरे ऊपर से डाला है, ना, राइट, उसकी वजह से चीजें गिर भी रही है क्योंकि ओवर स्टफ्ड है, ओवर स्टफ्ड है एक्चुअली, बराबर भर भर के क्वांटिटी है ना, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पनीर उसमें ना एडिशनल फ्लेवर दे रहा है, फ्लेवर दे रहा है, ट्रू, क्योंकि वो मसालों के बीच में जो एक पनीर की कामनेस और स्वीटनेस आ रही है ना, क्योंकि पनीर आपस में बेचारा तो खुद का ही टेस्ट है। बिल्कुल सही बात है, इन सब चीजों को वो ठंडा कर रहा है, तुम्हारे मुंह में एकदम बैलेंस फ्लेवर आ रहा है उसकी वजह से। राइट, वाओ, एंजॉय। आई एम एंजॉयिंग, आई एम ग्लैड यू आर, मुझे खिलाई जा रही हो, खा रही हो भैया। वाओ, अगेन छोटी सी जगह, सालों पुरानी जगह, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं बर्गर्स के पीछे। ऐसे बर्गर अगर आपने खाए दोस्तों, ऐसे बर्गर, कोई अलग टाइप के बर्गर, तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि ऐसा बर्गर या इसके जैसा कोई नया इनोवेटिव बर्गर आपने खाया है तो कहाँ खाया है, किस शहर में खाया है, एड्रेस भी लिखे ताकि मैं जाऊँ और मैं भी वो खाऊँ। अरे हेल्प कीजिए मेरी, आज जैसे पायल ने की है, हो सकता है हम और आप भी किसी जगह ऐसे खड़े होकर खाना एंजॉय कर रहे हो। आओ ऐश करो। हाँ पायल, तुम्हारा फर्स्ट स्टॉप जो था रामा ढाबा, सुपर पिंटू बर्गर,
सुपर हिट। ओह वाओ, थोड़ी सी जगह और बची है पेट में। नेक्स्ट स्टॉप क्या है? अब मैं आपको एक इतना बढ़िया डोसा खिलाने वाली हूं। अरे नहीं नहीं यार, डोसा नहीं, डोसे मुंबई में इतने मिलते हैं, इतने मिलते हैं, मैं खा खा के थक गया हूं यार। डोसा क्या है? अरे जो आपके मुंबई में डोसे मिलते हैं ना, वो इस डोसे के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस जितने भी ट्विस्ट है ना डोसे में, शेजवान डोसा, नूडल डोसा, मैसूर मसाला डोसा, ये डोसा, फलाना डोसा, टिमका डोसा, सब खा चुका मैं। डोसे में कुछ नहीं बचा, मुझे कुछ और खिलाओ। भाई आपने मेरे पे अब तक विश्वास किया ना? हाँ किया। तो एक बार और कर सकते हो? कर सकता हूँ। ऐसा डोसा खिलाऊंगी ना, वो भी ऐसे ट्विस्ट के साथ, आपको मजा आ जाएगा और आप सारे डोसे भूल जाओगे। ऐसा कोई डोसा है नहीं जो मैंने। अरे ऐसा डोसा है। चैलेंज एक्सेप्ट। चलो दोस्तों, ये चैलेंज है कि पायल आज मुझे ऐसा डोसा खाएगी जो खिलाएगी जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं खाया है, और ये चैलेंज एक्सेप्टेड है। चलते हैं आगे, जहां लेके जाएंगी हमको, और डोसा चैलेंज करते हैं। बिल्कुल, ओपन डोसा चैलेंज, बने रहिए। यस, साथ में बर्गर एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। तो चैलेंज तो तुमने कर दिया, अब चैलेंज हारने के लिए भी तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल हारने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आपने डोसे तो अपने मुंबई में बहुत खाए होंगे, तो? बट जो यहाँ का पंजाबी डोसा है ना, वो अगर आपके मुंबई के डोसे को ना बीट कर दिया, अच्छा, तो मेरा नाम जरूर बदल। डोसा तो डोसा ही है ना, यहाँ का डोसा खा के तो देखो। अरे बट डोसा तो डोसा ही है। अरे भैया लाना जरा डोसा यहाँ का। चलो देखते हैं दोस्तों, ये चैलेंज चैलेंज ओपन चैलेंज ओपन चैलेंज लेट्स सी। चलो आइए। तो दोस्तों, पायल मुझे तो ले तो आई है सुरेंद्र डोसा पीस सेंटर, ओके। और ये हमारे साथ है संजय जी, जो यहाँ पर लोगों को डोसे खिलाते हैं, लेकिन मुझे तो डोसा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। भैया इसका नाम डोसा कैसे पड़ा है? ये आइटम ऐसी है जो ब्रेड में है। अच्छा, ये भी कस्टमर ने रखा है, हमने नहीं रखा नाम, मतलब। लेकिन डोसा कैसे ब्रेड को डोसा तवे के ऊपर आइटम बन रही है? आपने देखा सांभर डोसा हो गया, चीला हो गया, ये सब तवे बनते हैं। तवे बनते हैं। उन्होंने एक डोसा कस्टमर ने बनाया, नाम ही खुद ही दे दिया, डोसा दे दो हमें। तो आप पहले डोसा ही है? पहले क्या बुलाते थे आप इसको? हम टिक्की छोले बनाते थे पहले। अच्छा, टिक्की और सिंपल ब्रेड छोले में बस। ये डोसा भी किसी कस्टमर ने बनाया था, अब लगा लो सन 61 से लेके अब तक ये बेच ही रहे हम। 61 से बेच रहे हैं, यानी कि 39 + 24, हिसाब लगाना मुश्किल है थोड़ा, है ना, मतलब 45-50 साल हो गए आराम से बेचते हुए। क्या बात है संजय जी, तो मैं भी ये बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ आपका ये डोसा खाने के लिए, है ना, जो डोसे जैसा दिखता नहीं है लेकिन है डोसा पीस, डोसा है ना। पायल चैलेंज जीत गई तुम है, चलो ये मुझे बोल के आई कि आपको चैलेंज करा दूं कि आपने ऐसा डोसा तो कभी नहीं खाया होगा। खाली बात करी, जब खाओगे तो चलेगा पता, हाँ यार कोई चीज है तो आप बनाओगे तो पता चलेगा ना। चलिए बनाइए। ये डोसा छोले, ये बन रहे हैं डोसा छोले, वाह, गर्मा गर्म छोले पड़े। छोले, अच्छा, चटनी गुड़ की, उसकी गुड़ की, गुड़ की चटनी, वाह। ये पुदीने की, पुदीने की, प्याज, हाय हाय, और आपका चम्मच, चम्मच, हाँ जी, और साथ में घी का अचार। ओए होए, ये किस चीज का अचार? घी का अचार, घी का, घी का, घी का, घी का अचार, लौकी, वाह जी वाह। चलो जी लाओ, ये लो दोस्तों, ये आ गई, क्या नाम है, डोसा छोले, डोसा छोले, है ना, डोसा छोले विदाउट डोसा, बट नाम ही पड़ गया इसका डोसा। एंजॉय करते हैं पायल जी, वहाँ की खड़ी है, आइए डोसा छोला लेके चलते हैं। क्या बनेगा दूसरा भी? डोसा पीस, डोसा पीस बनेगा, वो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये लेके वहाँ चलते हैं, आओ। चलो, अभी आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, ये लोग यहाँ पर हरी मिर्च को बोलते हैं चॉकलेट, है ना, और ये डोसा पीस के साथ देते हैं ना, डोसा पीस। खास क्या बात है इसमें, खाओगे तो पता चलेगा, हर चीज सरप्राइज है यहाँ पर। तो दोस्तों, पायल जी चैलेंज तो जीत गई है, लेकिन चैलेंज असली तब जीतोगी जब ये आपके कहे हुए डोसे, अकॉर्डिंग टू मुंह बोले डोसे, बिल्कुल स्वाद देंगे, इनकी भी आप उंगलियां चाट जाओगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस डोसा पीस फर्स्ट, डन, ट्राई करो। ओके दोस्तों, तो मैं बता दूं, डोसा पीस आपने इसको बनते हुए तो देख ही लिया है, छोले पड़े हुए, सूखे प्याज, और एक वो जो इनका सो कॉल्ड डोसा है वो पड़ा हुआ है नीचे और ऊपर ब्रेड का स्लाइस। ओके, अब मैं ये एक पीस उठाता हूँ, काटा तो है इन्होंने, लेकिन ये कटेगा कि नहीं मेरे से देखना पड़ेगा। ये 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 नहीं, नहीं जाने दूंगा, हो गया। अब ये थोड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, और आज तो ये डोसा पीस है। ये देखिए, अब मैं इसे टेस्ट करके बताइए। कैसा लगा? आई एम वेरी श्योर चैलेंज तो जीत गई हूँ मैं, वो आपकी आपकी शक्ल में पता चल रहा है मुझे, आपकी हंसी से पता चल रहा है मुझे। यार मैंने टिक्की छोले खाए हैं, समोसा छोले खाए हैं, आई नो, आलू छोले खाए हैं, लेकिन ये डोसा पीस है ना, इतना सरप्राइजिंग आइटम है, मैं आपको क्या बताऊं।
ये नाम हमारे हिंदुस्तान में ऐसी छोटी छोटी गली में, मोहम्मद दिखाओ ये गली कितनी छोटी गली है, ऐसी गलियों में ऐसी छोटी छोटी जगहों पर प्यारा सा स्टॉल, और ये लोग ऐसे आइडिया निकालते हैं और ऐसी चीजें बनाते हैं कि हम जैसे खाऊ लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तो ये चॉइस पायल की थी, इसने मुझे ये जगह बताया। मैं थोड़ा कंफ्यूज सा था कि यहाँ पर आएंगे नहीं, किसी भैया की फटफटी में बहुत फटफट हो रही है, माफ कीजिएगा, होने दीजिएगा। बट पायल, योर चॉइस वॉज एक्सट्रीमली गुड। चलो, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी यू लाइक इट। क्या आइडिया निकालते हैं यार, देखा अभी ने कहा साथ में खाइए चॉकलेट। चॉकलेट, यस। हाँ मोहम्मद, ये देख चॉकलेट, हरी मिर्च को चॉकलेट भी खा जाए। बिल्कुल, देखो इनोवेशन। क्योंकि पता क्या, जिन्हें चॉकलेट पसंद है उन्हें चॉकलेट मजा देती है। Exactly. और वही मजा ये हरी मिर्च मुझे देती है, चॉकलेट का मजा। आपकी तो फेवरेट ही हरी मिर्च है। Yes, yes, yes. Oh, double. Right. Loved it. Loved it. Wow, I'm happy. मैं अभी लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ। बात है। तो दोस्तों, डोसा पीस का मजा ले लिया मैंने। Yes. अब ये क्या है? ये है छोले डोसा। छोले डोसा, अब जरा इसके मार्क्स बताओ कि इसको कितने मार्क्स देते हो आप। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर ये डाला है संजय जी ने, ये घी का अचार, मैंने कभी नहीं खाया घी का अचार, प्याज, मीठी चटनी, गुड़ की चटनी, गुड़ की चटनी, पुदीने की चटनी, और इसके नीचे है ये डोसा, यानी कि ब्रेड और आलू जो इन्होंने शैलो फ्राई किए। राइट। तो चलिए अब इसका मैं एक उठा के लेता हूँ। हाँ, उठा के लो। ये तो मज़ा नहीं आएगा, नीचे से ऊपर आने तक गिर जाएगा ये। ये डोसा तोड़ा, छोले लगे, ओए होए, सो टेम्प्टिंग। कैसे लगा? कैसा लगा? दिल को लगा। और ये घी का अचार, ये जरूर खाऊंगा मैं। आया मजा? ये तो लगता है सच्ची में किसी 70-80 साल की लेडी की रेसिपी है, होगी जो अचार के बारे में इतना कुछ जानती है, क्योंकि जो फ्लेवर इतने इंडियन है, इतने डीप रूटेड है कि मैं आपको क्या बताऊं। ओहो, जो भी यहाँ खाएगा ना उसे अपने गांव की याद जरूर आएगी, सच्ची में कह रहा हूँ। तो पायल, दोनों चीज़ें खिला दी तुमने। बिल्कुल। और सब रियली आई एम टेलिंग यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस आउटकम, एंड आई एम हैप्पी टू लूज द चैलेंज। ओह वाओ, थैंक यू, वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई वॉन। यस, दोस्तों हर जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, फरीदाबाद आओ, ढूंढो और ऐसी ऐसी गलियों में ढूंढो, मज़ा आ जाएगा आपको। अरे भैया रुको, जरा ये भी ट्राई करो। अब ये क्या ले आई हो? स्पेशल यहाँ का छोले का पानी। छोले का पानी ले तो आई, लेकिन छोले का पानी बनता कैसे? ये भैया इसमें डाले जाते हैं मसाले, ओके, उसके बाद निचोड़ा जाता है नींबू, ओके, और उसके बाद बचा हुआ जो छोले का पानी होता है जो बॉईल करने के टाइम पे यूज करते हैं वो डालते हैं, ताकि नो वेस्टेज। लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए एक नंबर। यस, ट्रू। अब ट्राई करके भूल जाओगे, जैसे मुंबई के डोसे भूल गए थे। ट्राई दिस नाउ एंड टेल मी हाउ दिस इज। सो नो चाय कॉफी, यस, छोले का पानी, यस, आफ्टर अ नाइस छोले, डोसे छोले, डोसे छोले, राइट। यू नो, मजा आया छोले का पानी, बट फॉर अ नॉन वेजिटेरियन लाइक मी, यस, हु लव्स दिस मटन सूप एंड चिकन सूप, ओके, दिस इज गिविंग मी द फ्लेवर ऑफ अ मटन सूप। रियली, वाओ, जो मसाले डाले गए ना इसके अंदर, उससे इस छोले पानी का जो टेस्ट है उसको इतना एनहांस कर दिया है। राइट, नॉट बिकॉज आई एम अ नॉन वेज लवर, आल्सो वेजिटेरियंस, इट इज अ कमाल का छोले का पानी। तभी बोला ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाय कैंसिल, चाय कैंसिल, छोले का पानी जिंदाबाद। तो दोस्तों खूब मजा आया फरीदाबाद आकर और पायल के साथ घूमकर। तो थैंक यू पायल, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाने के लिए। थैंक यू आपको कि आप मुंबई से उठ के फरीदाबाद आए और मेरे साथ पूरा फरीदाबाद आपने एक्सप्लोर किया। आप इस बार यहाँ तो आए हो, नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉमिस है कि आप घर जरूर आओगे। इतना सब कुछ खिलाओगी? इतना सब कुछ नहीं, इतना सब कुछ खिलाऊंगी। तो फिर तो खाओ दो, जरूर पहुंच जाएगा, जल्दी से आ जाओ। तो ठीक है दोस्तों, खूब मजा किया हम लोगों ने आज। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से भर दीजिए। तो चलिए आज का ये फरीदाबाद टूर हम यहीं खत्म करते हैं, अगले व्लॉग का इंतजार कीजिए, और तब तक आप सब खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए। धन्यवाद।